आज मैं आपको सिखाऊंगी दो चटनी की रेसिपीज, एक ग्रीन और एक रेड, जो हम पापड़ी चाट या किसी चाट की टिक्की के साथ खा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्रीन चटनी बना रही हूँ मैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए धनिया, तो मैंने धनिया लिया है, इसको मैं ग्राइंडर में डालूंगी। ठीक है, और मुझे चाहिए पुदीना के पत्ते, तो पुदीना के पत्ते भी मैं डालूंगी इसमें। तो देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये पुदीना के पत्ते, ये पुदीना के पत्ते हैं, ये भी इसमें डाल रही हूँ मैं। अब 2 से 3 या 3-4, जितना तीखी आपको चटनी खानी है उतनी हरी मिर्च। अब चाहिए एक छोटा सा टमाटर, एक स्मॉल साइज का टमाटर चाहिए, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब चाहिए मुझे ये इमली का पानी, 2 से 3 चम्मच मैं इसमें डालूंगी। मेरी चम्मच छोटी है तो इसलिए मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ। अब डालना है इसमें ये भुना हुआ जीरा है, इसको 1 चम्मच डालना है। ये काली मिर्च का पाउडर है, इसको 1/2 टीस्पून डालना है। आधा चम्मच काला नमक, और इसको अब मैं ग्राइंड कर लूंगी अच्छे से। देखिए, ये हमारी चटनी पिस चुकी है। अब इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। अगर गाइज आपको इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्स कर लें, तो इसको हल्का सा पतला भी कर सकती हो। ये हो गया, अब मैं आपको रेड चटनी बताती हूँ कैसे बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको रेड चटनी बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें गुड़ चाहिए, तो ये गुड़ है। ठीक है, इसको मैं 1/2 काट देती हूँ ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए। अभी गुड़ हो गया, ठीक है, लगभग ये 200 ग्राम गुड़ है, 200-250 ग्राम। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी इमली का पानी। तो ये मेरे पास इमली का पानी है, मैंने इमली को भिगो दिया था और उसको छान लिया अच्छे से। ये इमली का पानी गैस को ऑन करूंगी और इसको अच्छे से पकने दूंगी, गुड़ के मेल्ट होने तक मुझे इसे पकाना है। इसको चलाते हुए पकाएंगे हम इसको। इसे हमें अच्छे से पकाना है। देखिए, अभी गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ, हल्का हल्का मेल्ट हुआ है, इसको पूरा मेल्ट करना है अच्छे से।
देखिए फ्रेंड्स, अब अच्छे से सारा गुड़ जो है इसमें मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले नमक डालना है हमको, ज़्यादा नमक भी नहीं डालना है, ठीक है? टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक इसमें डालना है। तो मैं हाफ चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ, बाकी हम बाद में चेक कर लेंगे। एक चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे, वो भी कलर के लिए, इससे कलर अच्छा आएगा इसका। अब एक चम्मच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, एक चम्मच चाट मसाला। अब हम इसमें जिंजर पाउडर डालेंगे, जिंजर पाउडर मतलब सौंठ, ठीक है? एक चम्मच सौंठ हो गया, एक चम्मच भुना हुआ जीरा, भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे। अब एक चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, एक चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें आधी चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और अब हम इसको अच्छे से पका देंगे। इसको हमें गाढ़ा होने तक पकाना है, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसको चेक करके दिखाती हूँ अभी ये कैसा है। देखिए एकदम से फ्लो हो रहा है। देखिए एकदम से फ्लो हो रहा है, मतलब अभी ये थोड़ा पतला है। हमें इसको गाढ़ा होने तक पकाना है, ठीक है? तो जब तक ये गाढ़ा नहीं होता तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। देखिए गाइस, अभी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। अभी हम इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। अभी भी थोड़ी सी पतली है, ठीक है? देखिए गाइस, अब हमारी ये खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है, ये गाढ़ी हो चुकी है अच्छी तरह से पूरी। देखिए इसमें बबल्स भी आ रहे हैं, तो अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। इसमें डालूंगी मगज, ठीक है? थोड़े से डालूंगी, ये है, और इसको 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चटनी एकदम रेडी हो चुकी है, खट्टी मीठी चटनी, और इसका टेस्ट इतना टेस्टी है ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा बाउल में डाल लेती हूँ। देखिए गाइस, हमारी दोनों चटनी की रेसिपी रेडी है। ये खट्टी मीठी चटनी है और ये हमारी हरी चटनी है। आप इसको पापड़ी के साथ या फिर किसी आलू की टिक्की के साथ खा सकते हो, ठीक है? चाट के साथ, किसी भी तरह की चाट। अगर गाइज आपको हमारी चटनी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज हमारी वीडियो को देखने के लिए।